तो वो नेक्स्ट इंटीजर हमें मिल जाएगा. सो इन सी प्लस प्लस वी विल राइट इट एज नंबर इक्वल टू नम प्लस वन. ये कहाँ पे करना है? लूप की बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर. सो मैं यहाँ पे इसको कट, बल्कि इसको लिखा रहने देता हूँ और मैं साथ यहाँ पे कर देता हूँ नंबर इज इक्वल एंड टू नंबर प्लस वन. आप इस स्टेटमेंट की जगह पे ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं नंबर प्लस प्लस. आप इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट और भी है लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल एंड टू प्लस वन. आप ये भी कर सकते हैं. तो सारी सिचुएशंस आपके सामने अवेलेबल हैं. आई विल प्रेफर यू कि आप ये वाला स्कीम यूज़ करें. सो यहाँ पे नंबर अभी ये यूज़ किया हम, चलें इसी को फ़िलहाल अभी लेते हैं और अभी हम ये वाली स्टेटमेंट ही चलाते हैं और इसको फ़िलहाल अभी रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? सिमिलरली इन द अबव स्टेटमेंट वी गेट द ओरिजिनल कॉन्टेंट्स ऑफ नंबर, एड वन टू देन एंड देन स्टोर द रिजल्ट इन टू द नंबर. सो नाउ वी नीड टू एड दिस न्यू नंबर इन टू सम. तो वो उसके अंदर लूप दोबारा चल के आएगी तो वो उसके अंदर ही चलता जाएगा. तो इस तरह ये ऐड करता रहेगा. अगेन वी नीड टू गेट द नेक्स्ट इंटीजर. वो उसी तरह इस लूप के अंदर ये काम करता जाएगा. देखें ज़रा, चलाते हैं इसको. तो अब ये 10 तक ही चलेगा. देखें ये 10 तक ही गया. 1 एक जमा दो तीन, तीन जमा तीन छः, छः जमा चार दस, दस जमा पाँच पंद्रह, पंद्रह जमा छः इक्कीस, सात अट्ठाईस, फिर छत्तीस, फिर पैंतालीस. चूँकि ये लेस देन 10 तक हमने चलाना था तो लेस देन 10 तक चलेगा. अगले लेवल पे चूँकि ये लेस देन 10 तक चलना है तो लेस देन 11 तक कर लें. ये लें तो वो 11 पे 55 ले आएगा क्योंकि ये 10 तक जाएगा. अब ये 10 तक जाएगा, देखें 55 आ गया. अब इसी तरह आप इसको 100 तक लेके जाने चलते हैं. 101 कर लें, 101 करेंगे तो वो 100 तक चला जाएगा. तो ज़रा इसको चेक कर लें, देखें 100 तक आ गया, 5050. सो देखें 1 3 6 10 15, ये तो 10 तक आ गया ना. अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि भी कितने उसने ऐड किए हैं. तो मैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ न्यू सम आफ्टर नंबर इज. सो ये स्टेटमेंट मैं नीचे ले आता हूँ. मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ फिर सम करवा लेता हूँ. सो चेक करें ज़रा, ये देखें काउंटिंग, देखें 1 2 3 4 5 6 चलती जा रही, 10 तक 55 बनता है, 20 तक 210 बनता है, इस तरह 50 तक 1275 बनता है और 100 तक ये 5050 बनता है. ठीक है, अब हम ये स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव कर देते हैं. अब हम इसको इसके फाइनल रिज़ल्ट की तरफ लेके आते हैं. फाइनल रिज़ल्ट कैसे बनेगा? अब सो ये लूप चलती जाएगी, फाइनली क्या होगा कि ये सारे ऐडअप करेगा और फाइनली ये सारा उसका प्रोग्राम कोड जो मैंने करके दिखा दिया ये चलता जाएगा और फाइनली क्या करेगा, ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा. सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट अब लिख लेता हूँ ख़त्म करने के बाद. सी आउट, मैं कहता हूँ जी सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर्स इज़. यहाँ पे मैं अपना सम का वेरिएबल प्रिंट करवा देता हूँ. सो देखिएगा ज़रा, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद रिज़ल्ट हमें एक ही देगा. देखें 100,000 तक का 100 है, सॉरी 5050 है. तो मैं इसको 1001 तक कर देता हूँ. अच्छा, ये 1000 ही अगर आपने लिखना है तो फिर आप इसको इक्वल यहाँ पे कर दें, लेस देन इक्वल, इक्वल तक को चलाएगा. सो देखें 1000 तक का सम क्या आता है जी, 50 500 500. आप इसी तरह बढ़ाते जाएँ, आप एक ज़ीरो और बढ़ा दें, 10,000 तक करते हैं. तो ये 10,000 तक को ऐड करेगा और उसका फाइनली रिज़ल्ट आपको दे देगा. देखें इसी तरह आप इसको 100,000 तक ले जाएं तो ये 100,000 का सम आपको दे देगा. ये देखें, ठीक है. तो इसी तरह ये नंबर ऐड होते जाएंगे. ठीक है जी. सो लेट्स एनालाइज द अबव व्हाइल लूप. इनिशियली द कॉन्टेंट्स ऑफ नंबर इज़ 1. अब ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है, स्लाइड्स आपको मिल चुकी हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने भी बताया. लेस देन इक्वल यूज़ कर लें तो फिर वो 1001 लिखना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. तो इसी तरह ये सारा मैंने गाइड किया हुआ है. तो फाइनली ये आप एंड पे ये स्टेटमेंट लगा के इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. मैं थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स एनालाइज द अबव व्हाइल लूप. इनिशियली द कॉन्टेंट्स ऑफ नंबर इज़ 1. इनिशियली नंबर 1 है, ठीक है. द कंडीशन इन व्हाइल लूप, नंबर लेस देन इक्वल टू 1000, लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 तक ले आते हैं हम.
विल बी एवेल्यूएटेड एज ट्रू. जब तक ये ट्रू रहेगी काम करता रहेगा. कॉन्टेंट्स ऑफ सम एंड कॉन्टेंट्स ऑफ नंबर विल बी एडिड एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर इन द सम. तो यहाँ पर सम के अंदर रिजल्ट स्टोर होते जाएंगे. नाउ वन विल बी एडिड टू द कॉन्टेंट ऑफ नंबर एंड नंबर बिकम्स टू. नंबर यहाँ पर टू हो जाएगा एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा आगे. ओके अगेन द कंडीशन इज वाइल लूप will be evaluated as true and the content of sum will be added to the content of the number. अच्छा अब ये लूप चलेगी किस तरह. इसके स्टेप्स क्या होंगे. स्टेप वन क्या होगा. कंडीशन टेस्ट होगी. स्टेप टू पे क्या करेगा. ये काम करेगा. स्टेप थ्री पे ये काम करेगा. स्टेप फोर पे ये वापस ऊपर आ जाएगा. और ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ये लूप से बाहर निकल आएगा. और जब लूप की बॉडी ये बाहर आएगा तो उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और उसके अंदर जो भी आपने लिखा हुआ वो कॉल हो जाएगा. So the result will be stored in the sum. Next one will be added to the content of number and number becomes 3 and so on. When number becomes 1000, the condition in while loop evaluates to be true as we have used less than equal. ठीक है क्योंकि less than equal use किया तो वो 1000 तक जाएगा. The content of the sum will be added to the content of the number and the result will be stored in the sum. Next one will be added to the content of the number and number becomes 1001. So now the condition in while loop is evaluated to do false. अब यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है. एज नंबर इज़ नो मोर लेस दैन इक्वल टू 1000 क्योंकि कंडीशन आपका जो है वो ट्रू नहीं रही. व्हेन द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप बिकम्स फॉल्स लूप इज टर्मिनेटेड. द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल बी गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलो द एंडिंग ब्रेसिस ऑफ द व्हाइल कॉन. ठीक है तो व्हाइल से जब बाहर निकलेगा तो उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख दें अपनी. फाइनली आपका ये प्रोग्राम जो पूरा मैंने आपको गाइड किया इस तरह ये आपको कर देगा. अब इसी तरह आपने प्रिंटिंग करनी है काउंटिंग. सो मैं यहाँ पे एक नया इसके अंदर अब एडिशंस करने लगा हूँ. मैं इसके अंदर अब एडिशन करने लगा हूँ. मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. मैं काउंटिंग कर देता हूँ इसको नाम. ठीक है मैं सम नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ. ठीक है सिर्फ डिस्प्ले करवाना है मैंने तो फिर सम की ज़रूरत नहीं रही. ठीक है मैंने सिर्फ पहले 100 नंबर प्रिंट करवाने हैं या 1000 भी चले करवा लेते तो सम की चूँकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है. ठीक है इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं रही. सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ये लिखा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट ई एन. यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये स्टेटमेंट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एन डी एल. अब ये क्या करेगा 1000 तक का नंबर मुझे प्रिंट करवा देगा. सो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ उसके बाद सी आउट कर देता हूँ क्योंकि वो एक पूरी एक्सप्रेशन है तो उसके बाद फिर आप सेमी कॉलन लगा के उसको आगे. सॉरी एक मिनट. सो नंबर इज़ इक्वलेंट टू नंबर प्लस वन. सो आप यहाँ पे सी आउट करवा दिया उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पे कर लें जी नंबर प्लस वन. सो वह कहता है नो मैच ऑफ ऑपरेटर इक्वल. ठीक है सी आउट पे वो कहता है ऐसा काम नहीं हो सकता. सो मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ प्लस प्लस. ठीक है सो ये वन नहीं प्रिंट करेगा. ये वन नहीं सिर्फ प्रिंट करेगा टू से स्टार्ट किया होगा इसने. देख चूँकि ऊपर चला गया तो हम पहले 100 ले लेते हैं. तो ये चूँकि वन से स्टार्ट हुआ तो ये वन प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्लस प्लस हमने कर दिया तो ये टू से स्टार्ट होगा. ये टू से स्टार्ट हुआ होगा. नहीं वन भी आया. ठीक है तो पहले उसने प्रिंट किया फिर एडअप किया और ये करते करते फाइनली ये 100 तक सारे उसने प्रिंट कर दिए. इज़ इट क्लियर. इसी तरह आप अगर लिखना चाहते हैं वही स्टेटमेंट तो आप लिख दें नंबर. आप बल्कि करें एक सी आउट नंबर एन डी एल. उसके बाद आप कर दें जी नंबर इज़ इक्वल एंड टू नंबर प्लस वन. सो ये 100 तक आपकी काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवा देगा. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू 100. आप इसी तरह इसको 100,000 भी करेंगे ये लें तो वो वहाँ तक भी चलेगा 100,000. तो ज़रा इसको चला के देखते हैं प्रिंटिंग वो करता जाएगा साथ साथ दिखाता जाएगा आपको. ये देखें प्रिंटिंग कर रहा है एक एक ऐड करता जा रहा है इसके अंदर और प्रिंटिंग करता जा रहा है. सो मेरे कर देने से मसला हल नहीं होना. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको प्रैक्टिस करें. अभी वाइल लूप को हमने यूज़ करते हुए अपना ये काम किया है. पहले 10 नंबर पहले 100 नंबर पहले 10,000 नंबर का सम किया. तो आप उसको टेस्ट करें और साथ साथ चेक करें और इसको एवेल्यूएट करें. 1,00,000 तक का जो है ना प्रिंटिंग होनी है. अभी ये 45,000 47,000 48,000 50,000 तक हुआ अभी.
अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो ब्रेक का बटन होता है कीबोर्ड पे, आप वो ब्रेक का बटन दबाएंगे तो वो वहीं पर रुक जाएगा, फिर दोबारा कंटिन्यू का बटन होता है कीबोर्ड पे, उससे कंटिन्यू की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए आइट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको किस तरह से डील कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करें, खुद करें प्रैक्टिस, फिर इंशाल्लाह मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।